हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टीवीएस की रेडर 125 और उसके साथ ही हीरो की ग्लैमर एक्सटेक 125, इन दोनों बाइकों का साइड बाय साइड डिटेल कंपैरिजन अपन करने वाले। साइड बाय साइड कंपेयर रहेगा, एक एक चीज़ को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे अपन। और इसके साथ ही कौन सी बाइक में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या डिटेल्स है, कैसी बिल्ड क्वालिटी है, कैसी फिट एंड फिनिश है, हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, आपको कौन सी बाइक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी बाइक की तरफ जाना चाहिए, कौन सी बाइक पिक करनी चाहिए। देखो, एक स्मार्ट डिसीजन बहुत जरूरी होता है, खास तौर से कंप्यूटर सेगमेंट में या फिर इस प्राइस रेंज के ऊपर, क्योंकि एक इंसान काफ़ी सेविंग करके या फिर अपनी नीड के हिसाब से बाइक लेना पसंद करता है, या तो सेविंग करके लेता है या फिर उसकी नीड होती है तो नीड के हिसाब से बाइक लेना पसंद करता है। तो इस वीडियो में इन दोनों बाइकों की सभी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो यहां से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ ही आपको बताना चाहूंगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी और मैं अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो के अंदर। अब यहां पर वीडियो स्टार्ट करने के साथ सबसे पहले दोनों बाइकों की फ्रंट लुक की बात यहां पर कर लेते हैं। यहां पर रेडर 125 के अंदर आपको LED डैरल देखने को मिल जाती है और LED हेडलाइट यहां पर दी गई है, ये लो बीम है और ये हाई बीम है और डिजाइन भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहां पर टीवीएस की ब्रांडिंग है और रेडर का लोगो यहां पर लगाया गया स्पेशली इसी बाइक के लिए, और डिजाइन थोड़ा प्रीमियम लगता है देखने में और अच्छा आई कैचिंग लुक यहाँ पे देता है। हेलोजन इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर अगर ग्लैमर की बात की जाए तो ग्लैमर में भी आपको LED डैरल देखने को मिल जाती है और LED हेडलाइट यहाँ पे दी गई है, लो बीम और हाई बीम दोनों LED है। उसके साथ ही हीरो का 3D लोगो आपको देखने को मिल जाता है। हेलोजन इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं और एक ब्लैक टिंटेड वाइजर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको वाइजर देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको थोड़ी सी ब्लैक स्मोक की लुक देखने को मिल जाती है, ब्लैक टिंटेड बोल सकते हो। हेडलाइट थोड़ी ज़्यादा ब्लैकिश है और देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ज़्यादा स्पोर्टिव लगती है। रेडर में थोड़ा ब्लैकिश कम है लेकिन देखने में ये भी आई कैचिंग लगती है। तो ये देखो, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो जाएगी यहाँ पे कि किस इंसान को कौन सी बाइक की हेडलाइट का लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। यहीं पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है रेडर में, ग्लैमर में भी टेलीस्कोपिक है। यहाँ पर प्लास्टिक का मरगार्ड दिया गया है जो कि आपको कम्प्लीटली यहाँ तक एक ग्लोसी ब्लैक देखने को मिल जाता है, मतलब जो बाइक का कलर है वही कलर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको और सिंपल ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। रेडर में आपको बस ओनली फ्रंट साइड पे रेड कलर देखने को मिलेगा, मतलब बाइक वाला कलर यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलेगा, बाकी आपको ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ब्रेक्स की बात की जाए तो रेडर के अंदर आपको 240mm का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे 12 पिस्टन कैलिपर दिया गया है और यहाँ पे आपको TVS के SBT टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। यहीं पर आपको ग्लैमर में इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। दोनों ही चीज़ें सेम है, आप रियर ब्रेक को दबाओगे तो दोनों ब्रेक एक साथ लगेंगे, फ्रंट ब्रेक ओनली फ्रंट ब्रेक पर ही अप्लाई होगा, तो एक तरह से कंबाइंड ब्रेक बोल सकते हो। दोनों चीज़ों में सेम है, बस नाम का फर्क है। यहाँ पे आपको डिस्क साइज भी देखने को मिलेगा एक दूसरे वेरिएंट में, अभी आपको ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जिसमें आपको 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा और सेम ब्रेकिंग सिस्टम रहने वाला है फिर दोनों बाइकों का। अभी ये ड्रम वेरिएंट है तो इसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहा है फ्रंट में। और यहाँ पर टायर साइज की बात की जाए तो ग्लैमर में आपको 80/100/18 का टायर देखने को मिल जाएगा फ्रंट में, और रेडर के अंदर आपको 80/100/17 का टायर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 80/100/17 और 17 इंच का व्हील यहाँ पे दिया गया है, ग्लैमर में 18 इंच का व्हील है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी बाइक है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देती है आपको, ज़्यादा स्पीड के अंदर वो कॉन्फिडेंस आपको कम दे पाती है। कम्यूटर बाइक के हिसाब से वो बाइक ज़्यादा बेस्ट है और स्पोर्ट बाइक के हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट है, मतलब रेडर ज़्यादा बेस्ट है। और यहीं पर अगर रियर लुक की बात की जाए तो रेडर 125 के रियर में आपको LED टेलाइट देखने को मिल जाती है, जो कि 12V शेप में, मतलब उल्टा भी आप समझ सकते हो। और यहाँ पे आपको सीट खोलने के लिए की दी गई है, जिससे कि आप सीट खोल के थोड़ा बहुत सामान इसमें रख सकते हो। मैं आपको फटाफट खोल के दिखा देता हूँ, ज़्यादा सामान यहाँ पे नहीं रख सकते, थोड़ा बहुत ही रख पाओगे, ये देख सकते हो आप। और इसके अलावा यहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं और एक हेलोजन नंबर प्लेट के लिए लाइट यहाँ पे दी गई है। इसके साथ ही ग्लैमर की बात की जाए तो इसमें आपको सिंपल हेलोजन टेल लाइट देखने को मिल जाती है, यहीं पर आपको हेलोजन इंडिकेटर दिया गया है। सीट खोलने की कोई भी की यहाँ पे नहीं है, सीट में कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है कि आप एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रख सको। और यहीं पर आपको नंबर प्लेट के लिए एक हेलोजन लाइट दी गई है, दोनों बाइकों में सेम चीज़ है। और रियर लुक देखो, अपनी अपनी चॉइस है, लुक के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, फिर भी बताना चाहूँगा वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टाइलिश और स्पोर्टी लगती है, ये थोड़ी सी सिंपल लगती है और कम्यूटर वाला फील आपको देती है। और यहीं पर आपको साइड में साइड गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों बाइकों में ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहीं पर रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे डुअल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं रेड कलर में, और यहाँ पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है। स्पीड में कॉन्फिडेंस देने के लिए वो चीज़ ज़्यादा बेस्ट है, कम्यूटर बाइक के हिसाब से ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे आपको क्लोथ चैन देखने को मिल जाती है, चैन कवर प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है प्लास्टिक का, जिससे कि आपको बार बार चैन स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी और चैन की लाइफ थोड़ी सी बेटर रहेगी अगर आप गाँव वगैरह में रहते हो और कम्यूटर बाइक के हिसाब से यूज़ करना चाहते हो उस टाइम। और यहाँ पर आपको ओपन चैन देखने को मिल जाती है, जिसको ज़्यादा केयर चाहिए होती है और यहाँ पर आपको बार बार चैन लूप करना पड़ेगा थोड़े किलोमीटर चलाने के बाद, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ही आ जाता है। और अब यहाँ पर दोनों बाइक की साइड लुक की बात की जाए तो यहाँ पर ग्लैमर में आपको एक मेटल का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, देखने में स्टाइलिश भी लगता है और थोड़ा सिंपल भी लगता है। यहाँ पे ग्लैमर का 3D लोगो दिया गया है,
3D बैजिंग आप बोल सकते हो, लोगो तो खैर ये नहीं है, पूरा नाम लिखा हुआ है। इसके साथ यहाँ प्रोग्रामिंग FI की बैजिंग ली गई है और i3S यहाँ पे हीरो का, और ये पूरा फाइबर पैनल है, यहाँ तक ये पैनल आपको मेटल का देखने को मिलेगा। और इसके अलावा थोड़े बहुत ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक लेग गार्ड है जो कि इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी वीक लग रही है, इतना स्ट्रॉन्ग ये नहीं है। और यहाँ पर आपको जो गियर लीवर है वो कम्यूटर बाइक की तरह सिंपल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी दिया गया है, जब साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गियर में आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अब यहाँ पर रेडर की बात करी जाए, अंदर आपको मेटल का फ्यूल टैंक मिल रहा है, बाहर से फाइबर को बनाया गया है, फाइबर से बनाया गया है जिससे कि डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे देखने में। और यहाँ पे आपको TVS का 3D लोगो देखने को मिल जाता है, घोड़े का ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में। और यहाँ पर आपको ATFI इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको रेडर का 3D लोगो देखने को मिल जाता है। और ये पैनल भी यहाँ पर पूरा प्लास्टिक का है, यहाँ ऊपर भी आपको प्लास्टिक देखने को मिल रहा है, और ये चीज़ भी प्लास्टिक की है। ये ग्रैब हैंडल यहाँ पे मेटल का है, ये तो मेटल का ही होना चाहिए, खैर मेटल का ही होता है। और यहाँ पर आपको गियर लीवर स्पोर्ट बाइक की तरह देखने को मिल जाता है, जो कि स्पोर्ट बाइक के हिसाब से परफेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंजन कॉल भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसकी लुक को थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है बाइक देखने में, थोड़ा दूर से देख सकते हो। यहाँ पे ग्लैमर में इंजन कॉल नहीं है, लेकिन गांव वगैरह के लिए चीज़ ठीक है, जब आप ख़राब रास्तों में चलाते हो तो नीचे अगर बाइक टिकती है तो पहले साइलेंसर टिकेगा, नोटिस करना चीज़ों को। यहाँ पर आपको इंजन कॉल टूटने का खतरा रहेगा और ख़राब रास्तों में चलाने में थोड़ा सी झिझक रहेगी। यहीं पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा ग्लैमर में भी। यहाँ पे आपको किक भी दी गई है जो कि रेडर में मिसिंग है, और यहाँ पे रेडर में आपको किक देखने को नहीं मिलती है। इंजन की बात की जाए तो रेडर में आपको 125 cc का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड कंपनी बताती है, अपने टीजर में लॉन्च के टाइम बताया था। और 3-valve इंजन है, और ये पावर जनरेट करता है 11.2 PS की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और 5-speed गियरबॉक्स के साथ इंजन आता है। और देखो जो ऑयल कूलिंग वाला सिस्टम है वो यहाँ पे अभी तक आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, आई थिंक ये चीज़ ऑयल कूलिंग की है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, TVS वालों से इंक्वायरी करूंगा इस चीज़ के लिए कि कैसे किस चीज़ को आप ऑयल कूल कहना चाह रहे हो या फिर बोलते हो, तो उस चीज़ के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी, वो वीडियो जरूर देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप सभी के लिए। और यहीं पर अगर ग्लैमर के इंजन की बात की जाए तो इसमें भी आपको 125 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 2-valve इंजन है, रेडर के अंदर आपको 3-valve इंजन मिलता है। इसके साथ ही पावर की बात की जाए तो ये 10.8 या फिर 10.7 BHP के आसपास पावर बनाती है, और 10.6 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क देती है। तो पावर फिगर में ग्लैमर थोड़ी सी वीक है रेडर के कंपैरिजन, लेकिन ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं है, कोई 19-20 का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे नहीं है। बाकी इन दोनों बाइकों की परफॉर्मेंस वाली वीडियोज़ में आप काफ़ी देख चुके हैं दोनों बाइकों को, कितना फ़र्क आ जाता है रियल लाइफ में, लेकिन विलेज वगैरह के हिसाब से और रूरल एरिया के हिसाब से और रफ टफ चलाने के हिसाब से ग्लैमर थोड़ी सी प्लस है रेडर के कंपैरिजन में, लेकिन स्पोर्ट बाइक के हिसाब से और स्पोर्टी लुक के हिसाब से, स्पोर्ट फील के हिसाब से और आई कैचिंग लुक के हिसाब से, अच्छे फीचर्स के हिसाब से, इन सभी मामलों में रेडर काफ़ी आगे है ग्लैमर से। अब एक बार दोनों बाइकों का साउंड, एग्जॉस्ट साउंड मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा। पहले स्टार्ट करते हैं रेडर को, इसका साउंड आप सभी सुन लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं ग्लैमर एक्सटेक को। अब यहाँ पर साउंड आप सभी ने सुन लिया, किसका साउंड अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पर सीट की बात की जाए तो ग्लैमर में आपको सिंगल पीस सीट देखने को मिल जाती है राइडर और पिलियन के लिए, और कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप कंफर्टेबल राइड कर सकते हो, कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ पर रेडर में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, थोड़ी प्रीमियम लगती है देखने में, और कुशनिंग इसकी भी अच्छी है, आप इजीली राइड कर सकते हो, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन देखने में रेडर की सीट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहीं पर अगर फ्यूल टैंक के डिज़ाइन की बात की जाए ऊपर की साइड से, तो यहाँ पे ये टैंक आपको सिंपल देखने को मिलेगा मेटल का ग्लैमर का, लेकिन यहीं पर आपको रेडर में आपको प्लास्टिक का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे कि लुक भी ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ से शिकायत होती है, इस चीज़ के बारे में एक दूसरी वीडियो में बात करूँगा, जिसमें इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी के बारे में काफ़ी बातें की जाएगी। शायद वो वीडियो पहले डाल चुका हूँ मैं, या फिर आने वाले दिनों में डाल दूंगा, लेकिन बनाऊंगा जरूर बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी पे काफ़ी सवाल खड़े हैं, तो मुझे कैसी लगी है, मुझे कहाँ कमी लगी है, कहाँ अच्छा लगा है, मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे दोनों बाइकों के मीटर की बात की जाए तो रेडर के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया भी है। यहाँ पे बात की जाए तो RPM मीटर देखने को मिल जाता है, गियर इंडिकेटर है, टाइम है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, पावर मोड इको मोड के लिए है, ये देखो अभी इको मोड में आ गई है बाइक, फ्यूल गेज है, लो फ्यूल वार्निंग है, उसके अलावा ट्रिप ए है, ट्रिप बी, रेंज, एवरेज माइलेज, इसके साथ ट्रिप ए दोबारा से आ गई, यहाँ पे ओडोमीटर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर में दो चीज़ें और देखने को मिल जाती है, आपकी एवरेज स्पीड क्या है, यहाँ पे एवरेज स्पीड आ रही है 3 की, और टॉप स्पीड क्या है,
टॉप स्पीड आ रही है 116 की। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है टीवीएस रेडर 125 में। और इसके साथ यहाँ पे सर्विस रिवाइंड इंडिकेटर आपको देखने मिल जाता है, मारू डिटेक्ट लाइट है, मास्टर वार्निंग लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो इंडिकेटर काफ़ी सही है बाइक में और काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे ग्लैमर की मीटर की बात की जाए तो यहाँ पे आरपी मीटर देखने को मिल जाता है, गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, उसके साथ ही यहाँ पे टाइम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको ट्रिप वन में एवरेज और कितने टाइम चली है एक डेट देखने को मिल जाती है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं रह पाती है, चेंज होती रहती है पता नहीं क्यों। यहाँ पे ब्लूटूथ पेयरिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इस बाइक में ब्लूटूथ पेयरिंग नहीं है, लेकिन अगर आप TFT ऑप्शनल में रखते हो, TFT स्क्रीन आपकी बाइक में है, तब आपको इसमें भी आपको काफ़ी सारे कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिलेंगे TVS, जिसमें बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं ऐप के अंदर भी और मीटर के अंदर भी। तो वो स्क्रीन भी काफ़ी स्मार्ट है, उसका फोटो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। अब वो TVS ऑप्शनल रखता है या फिर उसका एक अलग वेरिएंट लॉन्च करता है, उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जल्दी ही उस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना के आप सभी को बताऊँगा कैसा क्या रहता है उस चीज़ के बारे में। अब यहाँ पर ब्लूटूथ पेयरिंग के अलावा आपको एवरेज देखने को मिल जाती है और इको मोड है यहाँ पर, इसके अलावा ट्रिपन फिर से आ गई है, इसके अलावा न्यूट्रल का इंडिकेटर है, हाई बीम के लिए टर्न इंडिकेटर है, मालू डिटेक्ट लाइट है और साइड स्टैंड के लिए है। तो ये सब फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, थोड़े से दो चार फीचर्स उसमें एक्स्ट्रा है ग्लैमर के कंपैरिजन में, बाकी कोई बड़ा फ़र्क यहाँ पे नहीं है। और इसमें आपको डिजिटल कलर मीटर मिलता है, उसमें आपको ब्लैक एंड वाइट मीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि चार्ज बहुत ही स्लो करता है फ़ोन को, और कुछ कुछ फ़ोन तो चार्ज हो ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर आपको चार्जर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आपको ऑप्शनल में रखी गई है, अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो कंपनी से, वरना वो नहीं लगेगा, देख रहे हो यहाँ पे चार्जर नहीं है, तो आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे चार्जर आपका लग जाएगा। और कैसा काम करेगा वो तो तभी देखेंगे जो लगवाएंगे। इसके अलावा स्विचेज़ वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पास का स्विच देखने को मिल जाता है, लो बीम हाई बीम के लिए टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, यहाँ पे इको मोड पावर मोड के लिए स्विच है, और ये स्लैब के लिए स्विच यहाँ पे दिया गया है। इनकी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ सेगमेंट के हिसाब से सही है यार, कोई बड़ी शिकायत मुझे इनसे नहीं है। यहाँ पर ग्लैमर की बात की जाए तो ग्लैमर की बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, कोई बड़ी शिकायत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे i3 का स्विच है, स्लब स्टार्ट है, उसके अलावा पास के लिए, लो बीम हाई बीम के लिए, इंडिकेटर के लिए और ये हॉर्न के लिए। यहाँ पे क्लिपसेस दोनों ही बाइकों में नहीं है, जो कि एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट मैं बोलूँगा, क्योंकि आजकल सभी को इस चीज़ की ज़्यादा नीड रहती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। एक चीज़ जो बड़ा मेन फर्क है दोनों बाइकों के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे इस बाइक के ऊपर अपन बैठते हैं तो वो एक कम्यूटर बाइक वाली स्टाइल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अर्जुन एक बार बैठना भाई, आप बैठने के बाद देख सकते हो यहाँ पे पैर काफ़ी ज़्यादा मुड़ गए अर्जुन को, और एक स्पोर्ट बाइक की तरह पैर काफ़ी पीछे रहते इस बाइक में। और एक बार पिलियन सीट पर बैठना भाई, यहाँ पे अर्जुन पिलियन सीट पे बैठ गए और यहाँ पे देखना पैर कितने फोल्ड हो गए अर्जुन के। तो एक स्पोर्ट बाइक की तरह इस बाइक को डिज़ाइन किया गया, और इसी तरह का सिटिंग पोजीशन आपको इस बाइक पे देखने को मिल जाता है। फुली स्पोर्ट या फिर फुली एग्रेसिव नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट बाइक की तरफ ही है इसकी जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो सभी। अब यहाँ पे ग्लैमर पे अर्जुन बैठेगा, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कितना फ़र्क निकल के आएगा। तो ग्लैमर पे बैठ भाई, यहाँ पे आप देखो इसके पैर काफ़ी हद तक सीधे हो गए हैं, इतने पैर फोल्ड नहीं हो पा रहे थे जितने उस बाइक पे हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी हद तक पैर सीधे हैं। और एक कम्यूटर बाइक वाला सीटिंग पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर पीछे वाली सीट पे बैठना, और पीछे सीट पे बैठने के बाद भी आपके पैर काफ़ी सीधे रहते हैं, ज़्यादा फोल्ड नहीं करने पड़ते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ये एक कम्यूटर सेगमेंट की प्रॉपर बाइक है, लेकिन उस बाइक को थोड़ा सा कम्यूटर फील दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाइक एक स्पोर्ट बाइक वाला फील आपको पूरा पूरा इस बाइक से मिलने वाला है। और यहाँ पर रियर टायर साइज़ की बात की जाए, जो कि शायद मैंने मिस कर दिया बताना, तो यहाँ पर ग्लैमर में आपको 118 का टायर साइज़ देखने को मिल जाता है, यहीं पर आपको रेडर में 117 का टायर साइज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे 17 इंच का व्हील है, बाकी विड्थ दोनों टायर की 100 mm है, लेकिन व्हील यहाँ पे रेडर में आपको छोटा देखने को मिलेगा। इसका फ़र्क ये है कि स्पीड में ये बाइक ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहती है, मैं आपको पहले भी चीज़ बोल चुका हूँ। तो इसके राइड रिव्यू में इस बाइक को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आखिर किस तरह की बाइक है, किन लोगों को परचेज़ करनी चाहिए, उस वीडियो में आपको और ज़्यादा डिटेल से समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कौन सी बाइक पिक करनी चाहिए, कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे दोनों ही रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, वो एक प्रॉपर कम्यूटर बाइक है ग्लैमर एक्सटेक, और यहीं पे रेडर 125 एक स्पोर्ट बाइक है 125 cc सेगमेंट के अंदर। थोड़ा बहुत कम्यूटर वाला फील आप इस बाइक से ले सकते हो रेडर, लेकिन पूरा कम्यूटर फील आपको ये बाइक नहीं दे सकती है, स्पोर्टी फील ज़्यादा देगी, यहीं पर कम्यूटर फील आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ग्लैमर में। तो आपको एक कम्यूटर बाइक चाहिए और ठीक ठाक अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाए। फीचर्स में यहाँ ग्लैमर में भी कोई कमी नहीं है, लगभग सभी जरूरत वाले फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है, ब्यूटीफुल लगती है आगे से देखने में, DRL काफ़ी अच्छी है, हेडलाइट भी अच्छी है, तो स्टाइलिश भी लगती है, और सर्विस सेंटर भी आपको इजीली मिल जाते हैं, TVS के मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप गाँव वाँव में रहते हो और रफ टफ यूज़ के लिए, मेरे हिसाब से ग्लैमर ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और आपको एक स्टाइलिश बाइक चाहिए 1 लाख रुपये के आसपास में,
जो कि ज़्यादा स्टाइलिश लगे, ज़्यादा स्पोर्टी लगे, स्पोर्टी फील मिले आपको और स्पीड के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले। स्पीड में कॉन्फिडेंस ज़्यादा देती है रेडर 125। तो यहाँ पे स्पोर्ट बाइक के हिसाब से 100,000 में बेस्ट चॉइस है रेडर 125। कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ, मैं थोड़ा बहुत चला भी चुका हूँ बाइक को और एक इस बाइक का डिटेल राइड रिव्यू मैं करूँगा जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है। मैं डिटेल से शेयर करूँगा उस वीडियो में सब कुछ इस बाइक के बारे में। तो 100,000 में आपको स्पोर्ट बाइक चाहिए, फीचर्स अच्छे खासे चाहिए, 125cc का अच्छा खासा इंजन स्पोर्टी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये बाइक ज़्यादा बेस्ट है, बेस्ट लुकिंग है, इसके अलावा बेस्ट फीचर्स है और बेस्ट पावर है, लेकिन कम्यूटर वाला फील ये है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लेना और अपने बाइक को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।